नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर विवेक जांगे नर्सरी बराड़ा से। हम आए हैं डिक्केन के पास दड़ोली। भैया का परिचय लेते हैं। भैया इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम है जब्बार हुसैन पठान, निवासी दड़ोली। ओके। पपीता का जो बगीचा लगाया है, सबसे पहला क्वेश्चन, कब लगाया था आपने ये? 24 मार्च 2024 को। 24 मार्च 2024। आज 2 अक्टूबर है ना, लगभग 6 महीने का पार हो गया है अपना बगीचा। क्या स्थिति बगीचे की? बढ़िया, 1 नंबर है इस समय तो। बढ़िया स्थिति है ना, ये फ्रूटिंग देख पा रहे हो, बढ़िया आई हुई है। भैया से और डिटेल जानकारी लेंगे। कितनी दूरी पे लगाए थे भैया पौधे ये? ये 7x7। 7x7 पे लगाए थे है ना। बिल्कुल, अपन पूरा भैया का बगीचा कवर अप करेंगे 7x7 पे। जी अच्छा। ये देखिए भैया का बगीचा, ताइवान रेड लेडी 786F1 वेराइटी, ये नंबर 1 फ्रूटिंग आई हुई है। टोटल कोई पौधा भैया मेल नर तो नहीं निकला? नहीं, नर नहीं निकला। कोई भी प्लांट नर नहीं है? नहीं है ना। और पानी सिंचाई शुरू से कैसे कर रहे हो? वो नाली बना के, नाली में शुरू में नाली बनाई थी। हाँ। और फिर अपनों ने मिट्टी चढ़ा दी। हाँ। और ये फ्लड इरिगेशन करने लग गए। ओके ओके, बढ़िया बेहतरीन। अभी सिंचाई कितने कितने दिन में कर रहे हो भैया? अक्टूबर में, सितंबर में? 4-5 दिन। 4-5 दिन में सिंचाई कर रहे हो है ना। बिल्कुल, हर 4-5 दिन में सिंचाई करते हो। वायरस वगैरह तो नहीं आए भैया पौधों पे? अभी तक नहीं। अभी स्थिति कंट्रोल है ना। पहले वो सफेद फंगस आ गया था, स्प्रे किया, ये सफेद वाला। अच्छा, ये फंगस आई थी है ना। हाँ, ये भी उभयलिंगी प्लांट पे आया है। हाँ, ना जो लंबी वाली पपीता, लंबी वाली पे आया, गोल पे नहीं गोल देखने पे को नहीं। मिला क्या बात। ये जैसे गोल वेराइटी की पपीता, इस पे फंगस का आक्रमण नहीं था, और जो लंबी शेप की पपीता थी उन पे इनको फंगस थोड़ा सा देखने को मिला है। बढ़िया बेहतरीन। ये तो 1 क्विंटल पार कर गया भैया है ना। जी क्या बात। कुछ पौधों पे ड्रॉपिंग भी है, जैसे देख पा रहे हैं ये उभयलिंगी में इस प्लांट पे थोड़ा ड्रॉप हुआ है, बाकी ओवरऑल कंडीशन ठीक है। बढ़िया, 1 नंबर बेहतरीन। कुछ पौधों को सपोर्ट देना पड़ेगा भैया, अब आपको झुक रहे हैं वजन से, तो उनको अब सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी है ना। जैसे अपनों ने ये प्लांट है, इसको अब सपोर्ट देना पड़ेगा, नहीं तो गिर जाएगा ये। बिल्कुल, वैरायटी कैसी लगी भैया रेड लेडी? अच्छी है वैरायटी है ना, नंबर 1 वैरायटी है ना रेड लेडी, ताइवान रेड लेडी। कोई दिक्कत नहीं, लगा सकते इसको? बिल्कुल लगा सकते है ना। जैसे ये पौधा है, ये 80 किलो अब हो गया है, और अभी ऊपर फ्लावर सेट हो रहे हैं, बीच में फ्रूट बन रहे हैं, पक रहे हैं, और नीचे अब 8-7 महीने बाद पीला पट्टा बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये तोड़ने की प्रक्रिया चल जाएगी। बढ़िया, 1 नंबर। संतुष्ट हो भैया वैरायटी से? जी बिल्कुल संतुष्ट। स्प्रे किस हिसाब से किया? जैसे आप डॉक्टर साहब ने बताया, आपने समय समय पे जो शेड्यूल बताया। हाँ। उसके अनुसार आप स्प्रे? बिल्कुल उसके अनुसार स्प्रे, खाद वगैरह जो भी करते रहे। हाँ। है ना। हाँ। ओके ओके, स्प्रे शेड्यूल से फायदा मिला भैया? बिल्कुल मिला था। है ना, शेड्यूल से टोटल सब काम आपने ने शेड्यूल से किया। ओके ओके, कितने कितने दिन में स्प्रे किया भैया? 12-15 दिन। हर 12-15 दिन में स्प्रे किया है ना। और खाद कितने दिन में दिया? खाद हर महीने। हर महीने क्या क्या दिया खाद में? पहले 12-32 दिया था शुरू में। हाँ, थोड़ा थोड़ा।
फिर पोटाश भी दिया। अच्छा अच्छा, डीएपी पोटाश। हाँ। और इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरानी ये भी हर महीने दिए। कैल्शियम भी दिया, मोरन भी दिया, मैग्नीशियम, जिंक। हाँ, जिंक सभी शेड्यूल से टाइम टाइम से दिए। बढ़िया, ओके जी। देखिए रेड लेडी 7867, ये बाहरी साइड के प्लांट है, इनको हवा पानी प्रकाश प्रचुर मात्रा में मिला तो इनकी सेटिंग और बढ़िया होती है, इसलिए इसमें स्पेस का अहम रोल होता है। भैया ने बहुत बढ़िया मेहनत की जिसके कारण बढ़िया फ्रूटिंग आई है, ये है ना। और भैया से जानकारी लेंगे हम। स्प्रे में क्या क्या किया भैया? स्प्रे में ये मच्छर की और ये बोर, ये जमीन में भी दिया है, हुमी ऐसे वो हुमी सेल। हाँ हाँ। और ये ब्लू कॉपर, फंगीसाइड वगैरह और टोनिक वगैरह, साइक्लिन, एंटीबायोटिक वगैरह। हाँ हाँ। प्लानोपेक्स वो शेड्यूल के हिसाब से, फ्लावर ड्रॉप हो रहे थे तो प्लानोपेक्स सब शेड्यूल से दिए। क्या बात है, ये देखिए भैया की पपीता बेहतरीन, एक से बढ़कर एक पौधे सारे। कुछ पौधों में वायरस था, हटाए भैया पौधे? अच्छा अच्छा, 50 प्लांट में वायरस था तो उन भैया ने हटा दिए। जैसे ये लीफ कर लगा, ये वायरस ग्रस्त पौधा है, इसकी पपीता पकेगी नहीं, इसको भी हटाना भैया, है ना। बेहतरीन ताइवान रेड लेडी 7867 का भैया की मेहनत, सबसे बढ़िया भैया ने मेहनत की। भैया ने बहुत फोन लगाए समय समय पे, मेरे को पूछते रहिए कंटिन्यूस क्या स्प्रे करना है, क्या दवाई देना है, दवाइयों की दुकान पे जाके कॉलिंग करके ये समय समय से इन्होंने स्प्रे किया, जिसके कारण भैया का बगीचा ये नंबर वन बना। भैया के व्हाट्सएप नहीं चलता है, बटन वाला मोबाइल था तो ये सब दुकान पे जाके बात करवाते थे। बढ़िया, क्या बात है। नर एक भी पौधा नहीं किसान भाइयों इसमें, ये वैरायटी की खासियत, इसमें मेल प्लांट नहीं निकलते कुछ, ये जो उभयलिंगी प्लांट रहते हैं इन पे फ्लावर ड्रॉप होते हैं तो उसके कारण थोड़ा फ्रूटिंग में समस्या होती है, और ये जो मादा प्लांट रहता है इसकी सेटिंग बहुत अच्छी आती है। ये बढ़िया रहता है, बेहतरीन ताइवान रेड लेडी 7867। जैसे कि ये मादा प्लांट है, इसकी सेटिंग देखिए एकदम यूनिवर्सल रूप से एक समान होती है, और ये जो उभयलिंगी रहते हैं लंबे आकार की, उसमें थोड़ी ड्रॉपिंग होती है। इस पे फंगस का आक्रमण भी देखने को मिला है, भैया ने स्प्रे किया उससे कंट्रोल स्थिति है। भैया ने समय समय पर शेड्यूल से जो दवाइयां थी उनका स्प्रे किया, वो बहुत ही बेहतरीन नंबर वन फ्रूटिंग। ये देखिए भैया दवाइयां जो डाली उसका भी एक बार बताइए हमें, क्या क्या दिया आपने, आपके पास है वो दवाइयां? है ना दवाइयां, बिल्कुल। भैया की अब छोटी सी कुटिया है जो इन्होंने कुएं पे बना रखी, वहां पे जाके हम दवाइयों का जानकारी लेंगे। ये भैया का यहाँ पे कुटिया है जहाँ दवाइयाँ भी रखते हैं और रेस्ट भी करते हैं, दवाइयों का भी थोड़ा नॉलेज लेंगे भैया से। ये सभी दवाइयाँ दी थी भैया सर शेड्यूल से, है ना जी, इनका प्रयोग किया था। बिल्कुल, ये देख सकते हैं, जैसे कि ये इंसेक्टिसाइड इमिडा, ये भी इंसेक्टिसाइड इमिडा, और ये एंटीबायोटिक है हमारे स्टेप्टो, ये कासुगामाइसिन, ये भी एंटीबायोटिक सीरीज है, ये फंगिसाइड में एजोक्सी, टेबोकोनोजोल, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर प्लानोफिक्स, फ्लावर ड्रॉपिंग के लिए डबल टोनिक, मकड़ी के लिए ओमाइट, ये एक तारा, हाँ ये थायमेथोक्सम एक तारा वाला कॉम्बिनेशन, ये जिंक, ये अल्बर्ट सॉल्यूशन माइक्रो न्यूट्रिएंट, इसमें सब रहता है, एनपीके, कैल्शियम,
मैग्नीशियम ट्रेस एलिमेंट, और ये रोको वाला थायफिनिड मेथिल कॉम्बिनेशन जिंक। ये वाली भाई दवाइयां भी, ये पपीता की, ये दूसरी है ना, ये संतरे की, ये संतरे में प्रयोग की थी है ना। बिल्कुल, जैसे देख सकते हैं सब पे ये प्रोपेनोसाइपर, ये पपीता में नहीं करना रहता है भैया ने, ये पपीता की है वो अपने, और ये वाली जो दवाइयां है ये पपीता में प्रयोग कर सकते हैं। सफेद मक्खी वाला पाउच आपने बताया था ये, अच्छा अच्छा वो, ये क्या बात है, ये जो सफेद मक्खी के लिए भैया ने दिया था, बिल्कुल बहुत बढ़िया, इसी से कंट्रोल हुआ है ना जी। बिल्कुल बढ़िया दवाई, ये देखो दो तो, ये तो है अपने एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन है ना, ये इंसेक्टिसाइड हो गया, ये एंटीबायोटिक हो गया, और बाकी ये फंगीसाइड हो गया, ये कस्टोडी है, बहुत बढ़िया दवाई है फंगस के लिए, एजोक्सी टेबुकोनाजोल। ये क्या, ये किटाजिन, ये अभी बारिश ज्यादा हो गई थी जो जड़े थोड़ी डैमेज हो रही थी, हाँ, उसमें पानी के साथ चलाया, उसमें चलाया था, इसको नहीं चलाना रहता वैसे, नीचे से कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। अल्बर्ट सॉल्यूशन भी बहुत बढ़िया है, एक नंबर।